हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी रीड सम ऑफ द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। नाउ इन दिस वीडियो वी विल रीड अवर अदर टॉपिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस विच कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू परफॉर्म अ टास्क। दैट मीन्स कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत सारे डिवाइसेस का कलेक्शन है। इसके बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं, किसी काम को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर है क्या वो एक अमेजिंग मशीन है जो कि हमारे लिए बहुत अलग अलग तरीके का काम करता है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से किसी भी वर्क को करता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट और कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज मॉनिटर, माउस, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव, सिस्टम यूनिट, कार्ड, साउंड कार्ड्स, मेमोरी, मदरबोर्ड, चिप्स एक्सेट्रा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारे हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो कि फिजिकल पार्ट है। जैसे कि नॉर्मली जब भी हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम मॉनिटर देख पाते हैं, माउस देख पाते हैं, कीबोर्ड देख पाते हैं, कुछ इंटरनल डिवाइसेस भी होती हैं जिनको कि हम ऐसे नहीं देख पाते, बट वो फिजिकल पार्ट्स ही होते हैं जिनको कि हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे फिजिकल पार्ट जिनकी हेल्प से कंप्यूटर वर्क करता है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे हार्डवेयर से। अब ये जो हार्डवेयर है इसे भी फोर कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया, यानी कि बांटा गया है। ये है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। तो इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइसेस, जो हमारे हार्डवेयर के जो इनपुट डिवाइसेस हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ये इनपुट डिवाइसेस क्या है। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस जानने से पहले मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि इनपुट्स क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनपुट्स हम उसे बोलते हैं जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, या जो भी कमांड, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि जिस डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड देते हैं, तो ये डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डाटा इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। की जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर को में डाटा एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस दिए हुए हैं जिनको कि हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर। अ कीबोर्ड हैज़ मेनी कीज ऑन इट। जो कीबोर्ड है, हमारा कीबोर्ड जो है, वो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जो कीबोर्ड होती है उसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं, अल्फाबेटिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़। इन सारे कीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड टुडे इज़ द क्वालिटी कीबोर्ड। इट इज़ कॉल्ड क्वालिटी बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द लेटर्स की। जो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है वो क्वालिटी कीबोर्ड है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, तो इसको क्वालिटी कीबोर्ड इसलिए बोलते हैं ना कि ये जो हमारे कीबोर्ड का जो फर्स्ट रो का लेटर्स है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, वो क्वालिटी लिखे हुए होते हैं, इसीलिए इसको हम क्वालिटी कीबोर्ड भी बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कीबोर्ड में, और चूँकि हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे कीज़ हैं ना, तो इस कीबोर्ड में कौन कौन से कीज़ हैं और इन कीज़ का क्या काम है, हम वन बाय वन ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट है टाइपिंग कीज़। टाइपिंग कीज़ मतलब जो कि हमें टाइप करने में हेल्प करते हैं, इसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कीज़ भी बोलते हैं। यू विल डू मोस्ट ऑफ वर्क यूजिंग दिस की। दिस की इंक्लूड द फॉलोइंग। हम लोग जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ है ना, कंप्यूटर पर जब भी हम वर्क करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ये अल्फा न्यूमेरिक कीज़ ही यूज़ किए जाते हैं। इसे भी बांटा गया है कई कैटेगरीज में, जो कि अल्फ़ाबेट की, ई टू जेड, नंबर की 0 to 9, पंक्चुएशंस की एंड सिंबल कीज।
तो ये अल्फ़ाबेट कीज़ क्या है? अल्फ़ाबेट कीज़ जिसमें कि ए से लेकर जेड तक के लेटर लिखे हुए होते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों होते हैं, जो कि हमें लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस इन सबको टाइप करने में हेल्प करते हैं। नंबर की भी 0 to 9, ये क्या है? जो नंबर कीज़ होते हैं ये हमें जितने भी नंबर्स लिखने होते हैं वो कैलकुलेशन के लिए होते हैं, या जो भी वर्क करने के लिए, जो नंबर्स टाइप करने के लिए हम नंबर की का यूज़ करते हैं। पंक्चुएशन की, जैसे हम कभी भी लिखते हैं, जो भी टाइप करते हैं, तो उसके बीच कभी हमें फुल स्टॉप, कभी क्वेश्चन मार्क, कभी कॉमा, ये सारे जो निशान लगाने होते हैं, सारे जो चिन्ह लगाने होते हैं, उनके लिए हम इन पंक्चुएशन की का यूज़ करते हैं। सिंबल की मतलब जो चिन्ह होते हैं, जैसे कि हमें प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, तो इन सब के लिए हम लोग सिंबल कीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल की। यू सी दिस की ऑन देयर ऑन और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज टू परफॉर्म सर्टन एक्शन। द मोस्ट कॉमनली यूज कंट्रोल कीज आर CTRL, जिसको कि हम लोग कंट्रोल बोलते हैं, अल्ट विंडोज़ लोगों की, एंड एस्क। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये जो कंट्रोल कीज़ होते हैं इनका यूज़ हम या तो इनका इनका खुद का यूज़ इनका खुद का फंक्शन होता है, या फिर ये अदर कीज़ के कॉम्बिनेशन से वर्क करते हैं। इसमें से जो ज़्यादातर के जो कंट्रोल कीज़ यूज़ होते हैं वो कंट्रोल, एल्ट, विंडोज़ लोगो की, एंड एस्क है। तो ये जो जैसे कि मैं बताया कि जो एस्क है इसको हम लोग स्कैप भी बोलते हैं। इसको यूज़ करने के लिए इसका हम क्या यूज़ करते हैं कि जो करेंट वर्क होता है, जो हम कंप्यूटर पर जो वर्क कर रहे होते हैं उसको हम कैंसिल करने के लिए, उसे कैंसिल करने के लिए हम इस की का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि ये कंट्रोल है, CTRL, जिसको कि हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। यदि हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस ए कमांड करते हैं, तो इससे हम जो टेक्स्ट जो हमारे विंडो पे, हमारे डेस्कटॉप पे जो टेक्स्ट लिखे होते हैं ना, वो सारे टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये अल्ट, जिसको कि जिसका फुल फॉर्म होता है अल्टर, जब हम ये भी शॉर्टकट के लिए यूज़ होता है। यदि हम एल्ट के साथ 4 यूज़ करते हैं, यानी कि L+4 प्रेस करते हैं, तो विंडोज़ जो हमारे विंडोज़ ओपन होता है वो क्लोज हो जाता है। इसी तरीके से और ये जो सारे कंट्रोल बटन्स होते हैं इनका अपना अलग अलग काम होता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन की। तो जो फंक्शनल कीज़ होते हैं ये हमारे कंप्यूटर के सबसे ऊपर की लाइन में, हमारे जो कीबोर्ड है उसके सबसे ऊपर की लाइन में ये कीज़ हमें दिखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाइन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये F1 से F12 तक होते हैं। और हर फंक्शनल की का अपना एक अलग वर्क होता है, एक अलग उसका फंक्शन होता है। जैसे कि यदि हम F2, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं F2, यदि हम इस F2 को प्रेस करेंगे तो हमारे जो फाइल है, जो प्रेजेंट फाइल जो हमने ओपन किया है, हम उसका रीनेम कर सकते हैं। यानी कि इसके F2 प्रेस करने के बाद हमें रीनेम, हम अपनी फाइल का दूसरा नाम रख सकते हैं। जैसे F3, अगर हम F3 को प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है। ये जब सर्च बॉक्स ओपन होता है तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हमें जो भी फाइल या जो भी फोल्डर, फाइल फोल्डर ओपन करना, खोजना है, हम इससे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो F12 तक है, इन सारे फंक्शन की इसकी अपना एक अलग अलग वर्क है। नेक्स्ट है हमारा नेविगेशन की। नेविगेशन की इस कीज़ को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ है या नंबर कीज़ की, ये बीच में, ये नेविगेशन कीज़ है। इसमें क्या है, जो पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, ये सारे बटन्स दिए हुए हैं ना। इसका क्या होता है कि जो हमारा जो पेज ओपन है, यदि हमें पेज के सबसे पेज में ऊपर जाना है तो हम पेज अप प्रेस करते हैं, पेज के नीचे जाना है तो पेज डाउन करते हैं। इसी तरीके होम पेज पे जाना है, होम प्रेस करेंगे, एंड पे जाना, सबसे नीचे जाना है, हम नीचे करेंगे। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे कीज़ हैं, नेविगेशन कीज़ का ये यूज़ है। नेक्स्ट इज़ न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ एक तो नंबर हमें नंबर कीज़ को देखिए, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 0 to 9, और नंबर कीज़ हमें यहाँ पे भी एज ए कैलकुलेटर के फॉर्म में यहाँ पे दिखता है, जो कि हमें नंबर्स टाइप करने में, हमारे वर्क को करने के लिए हेल्प करता है। एज ए कंप्यूटर जो नंबर वर्क होते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे वर्क करने के लिए हेल्प मिलता है इससे। नेक्स्ट इज़ बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की इज़ यूज एज एन इरेजर टू इरेज टेक्स्ट बिफोर द कर्सर। इट इज़ ऑल्सो इरेज द टेक्स्ट सेलेक्ट बाई
अस। जो बैक स्पेस की है ये क्या करता है, हमें इरेजर, जैसे हम इरेजर का यूज़ अपने जो टेक्स्ट को अपने लिखे हुए को मिटाने के लिए करते हैं, इरेज करने के लिए करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो बैक स्पेस की है ये भी इरेजर का ही वर्क करता है। ये जो हम कर्सर के पहले जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उनको इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ ये उन टेक्स्ट को भी इरेज करता है जो कि हम सेलेक्ट किए हुए होते हैं, डिलीट की। जैसे बैक स्पेस की क्या करता है, कर्सर के पहले के टेक्स्ट को, यानी कर्सर के पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको इरेज करता है, ठीक डिलीट की क्या करता है कि जो टेक्स्ट टेक्स्ट के कर्सर के बाद का जो टेक्स्ट है उसे इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इट इज़ ऑल्सो रिमूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम ऑन द स्क्रीन। और ये उनको भी, टेक्स्ट को या आइटम जो भी हम डिलीट करना चाहते हैं, जो हम सेलेक्ट करते हैं, उनको भी रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज एंटर की। वो एंटर की इज़ यूज टू टाइप फॉर्म अ न्यू लाइन। एज वी गो ऑन टाइपिंग द कर्सर मूव्स टिल द एंड ऑफ द लाइन, इट देन ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन। लाइन्स आर थस एडेड वन बाई वन, बट टू मूव द टेक्स्ट लाइन बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ द करंट लाइन वी हैव टू प्रेस द एंटर की। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो जब हमारी लाइन स्टार्ट होती है तो फिर लिखते लिखते हम एंडिंग पॉइंट तक जाते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारी नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है ना। लेकिन और ये ऐसा एक के बाद एक होते रहता है, लेकिन कभी क्या होता है कि हम जब टाइप कर रहे होते हैं और हम एंड लाइन तक नहीं पहुंचते, एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचते, और हमें लाइन चेंज करनी होती है, तो ऐसी कंडीशन है हमें, हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो हमारी जो लाइन होती है, वो जो नेक्स्ट न्यू लाइन होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। स्पेस बार की। तो स्पेस बार की, जब हम लेटर्स कर लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो उसके लिए क्या हम करते हैं कि बीच में एक स्पेस देते हैं। हम कोई वर्ड लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो सारे एक लाइन में ही तो नहीं होते ना, बीच बीच में स्पेस होता है, तो उसी स्पेस को देने के लिए, तो जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उसी स्पेस को देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं, और ये जो स्पेस बार की होती है वो हमारे कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है। नेक्स्ट इज शिफ्ट की। शिफ्ट की, द शिफ्ट की इज़ यूज विथ अदर कीज फॉर डिफरेंट पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, वी प्रेस इट विथ अ लेटर टू टाइप इट इन अपर कीज। वी ऑल्सो प्रेस इट विथ नंबर की टू टाइप द सिंबल्स ऑफ देम। ये जो शिफ्ट कीज का जो यूज़ होता है वो अलग अलग कीज़ के साथ अलग अलग पर्पज़ के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि यदि किसी लेटर के साथ हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा लेटर अपर केस, अपर केस मतलब वो कैपिटल में हम लिखते हैं, यानी कि जब हम शिफ्ट के साथ किसी लेटर को प्रेस करते हैं तो जो भी लेटर फिर हम टाइप करेंगे वो कैपिटल में लिखा जाएगा। व्हेन वी आल्सो प्रेस इट विथ नंबर कीज टू टाइप द सिंबल्स ऑन देम। और यदि किसी शिफ्ट की को हम किसी नंबर के साथ प्रेस करते हैं तो वो किसी कोई सिंबल हो सकता है, जैसे कि यदि हम शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस 5 प्रेस करते हैं, तो वो साइन हमारा जो सिंबल होता है वो हमारा परसेंटेज का आ जाता है। तो इसी तरीके से अलग अलग नंबर्स के अपने अलग अलग सिंबल होता है। नेक्स्ट है हमारा कैप्स लॉक की। वी कैन टाइप कैपिटल लेटर बाय प्रेसिंग द कैप्स लॉक की। व्हेन द कैप्स लॉक की इज प्रेस्ड वंस, अ लाइट ग्लो ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑन द कीबोर्ड, इट शोज द कैप्स लॉक फंक्शन इज ऑन। एनी लेटर्स वी टाइप नाउ विल बी इन अपर केस। प्रेसिंग द कैप्स लॉक वी की वंस मोर स्विचेस इट ऑफ। तो कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की का यूज़ क्या होता है कि जब हमें जो लेटर्स को, जैसे कि हमें कभी कभी सारे लेटर्स हम कैपिटल में लिखते हैं ना, तो यदि हमें जब सारे लेटर्स को कैपिटल में लिखना है तो हम इस कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। हम अपने कैप्स लॉक की को वन टाइम जब प्रेस करते हैं तो इसके राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे एक लाइट ग्लो करती है। ये लाइट ग्लो करने का मतलब ये होता है, जब ग्लो करता है इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैप्स लॉक की का फंक्शन है, कैप्स लॉक की हमारा ऑन हो चुका है, और अब हम जो भी लेटर्स लिखेंगे वो सारे कैपिटल में होंगे। देन अगर हमें इसे ऑफ करना है, यानी कि हमें लेटर्स को अब स्मॉल में लिखना है, तो हम वन मोर टाइम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, और फिर जो हम लेटर्स लिखते हैं वो हमारे लेटर्स स्मॉल में होंगे। नेक्स्ट हमारा डिवाइस है माउस। माउस के बारे में आपने भी पहले भी देखा है, माउस तो पहले सभी ने देखा है ना, तो चलिए उसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। अ माउस इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइस दैट हेल्प्स यू टू
डिफरेंट टास्क ऑन अ कंप्यूटर इट यूजुअली हैज़ टू बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। सब कोई जानते हैं कि माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ना, छोटा इनपुट डिवाइस होता है, और इसके इसकी हेल्प से भी हम लोग कंप्यूटर में बहुत सारे वर्क करते हैं। माउस में दो बटन्स होते हैं जिसको कि हम लोग लेफ्ट बटन राइट बटन कहते हैं, और इन दोनों के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होती है। हम लोग जो माउस को मूव करते हैं तो जो हमारे स्क्रीन पर जो एरो का दिखता है जिसको कि हम लोग पॉइंटर भी बोलते हैं ना, तो हम माउस को जो मूव कराते हैं तो वो उस पॉइंटर को तो वो उस पॉइंटर जो स्क्रीन पे जो पॉइंटर दिखता है वो मूव करता है। अब वो हमारे मूवमेंट को वो पॉइंटर बताता है कि हम माउस का क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा माउस किधर मूव कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो हम माउस को यूज़ करते हैं तो उस यूज़ को हम कहते क्या क्या है, क्या क्या बोला जाता है। व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस यू क्लिक इट, यानी कि जब हम माउस को प्रेस करते हैं, लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लिक। ठीक उसी तरीके से यानी माउस माउस बटन को प्रेस करने को हम बोलते हैं क्लिक करना, है ना। व्हेन यू प्रेस दिस लेफ्ट बटन ट्वाइस, और उसके बाद जब हम इस लेफ्ट बटन को टू टाइम्स कंटिन्यूसली टू टाइम प्रेस करते हैं तो इसको बोला जाता है डबल क्लिक। इसी तरीके से जब हम माउस के राइट साइड के बटन को क्लिक करते हैं, वन टाइम क्लिक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राइट क्लिक। और जो स्क्रॉल व्हील है, स्क्रॉल व्हील को जब हम उसको मूव कराते हैं ऊपर या नीचे, अप डाउन, उसको जब हम मूव कराते हैं ना तो हमारा जो पेज होता है वो ऊपर नीचे होता है। जो हमें मॉनिटर पे जो हमारा पेज ओपन होता है वो हमारा ऊपर नीचे होता है। यदि हमें ऊपर का देखना है तो हम पेज अप करेंगे, नीचे का देखना है तो हम पेज डाउन करेंगे, तो ऐसे हमारा पेज ऊपर नीचे होता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द माउस टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बाई यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके साथ साथ क्या है, कंप्यूटर में जो हम ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको भी मूव करा सकते हैं, जिसके लिए हमको यूज़ करना होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके लिए चलिए, ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम अपने लेफ्ट बटन को कि लेफ्ट साइड के बटन को प्रेस किए रहते हैं और देन उसे ड्रैग करते हैं, और जिस प्लेस पे हमें उस ऑब्जेक्ट को लाना है उस प्लेस पे हम लाके उसे छोड़ देते हैं। तो जो हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जहाँ पे जो यदि हम नीचे ऊपर किसी भी प्लेस में जो मूव कराते हैं तो उसको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इस मूव कराने को हम ड्रैग बोलते हैं, और जिस प्लेस पे हमें लाना है उस प्लेस पे लाके जब हम उसे छोड़ देते हैं तो ये ड्रॉप कहलाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। अ स्कैनर इज़ अ डिवाइस दैट कैप्चर इमेजेस ऑफ फोटोग्राफिक प्रिंट पोस्टर्स मैगजीन पेजेस एंड सिमिलर सोर्स फॉर कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले। जो स्कैनर होते हैं ये जो हमारे इमेज को कैप्चर करते हैं, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, पोस्टर हो, मैगजीन हो, पेजेस हो, या फिर इसी तरीके के और भी सोर्स हो, कंप्यूटर के लिए क्या करते हैं, उसे स्कैन करते हैं, उनके एडिटिंग करने के लिए, उसे डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट इज़ वेब कैमरा। इट इज़ यूज टू कैप्चर फोटो शूट वीडियो एंड सेव देम इन द कंप्यूटर। वेब कैमरा क्या होता है, ये फोटोज़ कैप्चर करते हैं, वीडियो शूट करते हैं और उसे हमारे कंप्यूटर में सेव करते हैं। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, ये गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। गेम्स में जो हमने अपने आइटम्स को, जो हमारे आइटम्स होते हैं उनको जो मूव कराते हैं ना, उसके लिए हम इन जॉयस्टिक का यूज़ कराते हैं, जिससे कि हमारे आइटम्स स्क्रीन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लाइट पेन। अ लाइट पेन लुक लाइक अ पेन दैट कैन बी यूज्ड ऑन अ स्पेशल पैड। वट एवर यू राइट ऑन दिस पैड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। लाइट पेन इज़ ओनली यूज विथ CRT मॉनिटर्स। ये जो लाइट पेन्स होते हैं ये नॉर्मली पेन की ही तरह दिखते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसे जो इस लाइट पेन से जिस पैड पे हम लिखते हैं वो स्पेशल पैड होते हैं, और जिससे कि हम इसे मॉनिटर पे देख सकते हैं। और जो लाइट पेन से हम जो लिखते हैं उन्हें हम केवल CRT मॉनिटर्स, जिसको कि कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है मॉनिटर्स, उन पे हम सिर्फ देख सकते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड अवर वॉइस एंड अदर साउंडस इन टू कंप्यूटर। द रिकॉर्डेड साउंड इज़ देन सेव अ साउंड फाइल ऑन द कंप्यूटर। जो माइक्रोफोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे वॉइस को, हमारे साउंड को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो रिकॉर्डेड साउंड होते हैं इन्हें हम साउंड फाइल के जैसे एक अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़
टच स्क्रीन, और टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू द टच. नाउ डे मोस्ट मॉनिटर मोबाइल्स फोन्स एंड एटीएम्स हैव टच टच स्क्रीन्स. जो टच स्क्रीन है ये काफ़ी जो इनकी जो स्क्रीन होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है. हमारे टच से ये मूव करता है, हमारे टच से ये वर्क करता है. और आज के समय में लगभग लगभग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टच स्क्रीन की हो गई, जैसे मॉनिटर्स, मोबाइल फ़ोन, एटीएम, ये सारे जो है इनकी जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन हो चुकी है. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. सो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.